Hello everyone, hope all of you are doing good. In this lecture, we will discuss the cost concept, or we can say the historical cost principle. According to this principle, all non-current assets or assets of the business are recorded at their original historical cost. Yeah, hum bol sakte hain on their original cost. भाई आपके बिजनेस में बहुत सारी नॉन करंट एसेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा. तो जो भी आपकी ये नॉन करंट एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग हुई है ना, मशीनरी हुई, फर्नीचर हुआ, वॉट एवर, जो भी आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं, तो ये बोला जाता है दीज असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल प्राइस, और वी कैन से बाय देयर ओरिजिनल प्राइस. जितने में आपने उसको एक्चुअली परचेज किया था, आप उस प्राइस पर उसको रिकॉर्ड करेंगे. कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन, इसमें हम वर्ड यूज कर लेते हैं कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन, बट इग्नोरिंग द मार्केट फ्लक्चुएशंस. जो आपकी एसेट की वैल्यू में मार्केट फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उन मार्केट फ्लक्चुएशंस को आप इग्नोर कर दो, बट उस पर डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना. तो एसेट की वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट वैल्यू में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है उस पर नहीं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज हमने 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन परचेज की एंड कॉस्ट ऑफ दैट मशीन इज ₹10 लाख, और इस पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 10%. डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी पड़ेगा एज पर द अकाउंटिंग पीरियड एंड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, फाइन. तो हमने इसके एक साल बाद, आफ्टर वन ईयर, ऑन 31st March 2018, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर टूवर्ड्स एसेट साइड वी विल डिस्क्लोज दिस वैल्यू ऑफ मशीन ऑफ ₹10 लाख. 10 लाख रुपीज की मशीन हम डिस्क्लोज करेंगे. अब इस पर एक साल हो चुका है, तो एक साल का हम इस पर डिप्रिसिएशन लगा देंगे. लेट सपोज 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपीज. तो टुडे द वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹9 लाख. 9 लाख कैसे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इट वॉज ₹10 लाख, और उस पर हमने 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, विच इज अ लॉस, विच इज द कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल. एंड आफ्टर डिडक्टिंग दैट वैल्यू, टुडेज वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट मशीन इज ₹9 लाख, फाइन. अब आफ्टर वन ईयर, लेट सपोज 31st March 2019 को वी आर अगेन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, ओपनिंग बैलेंस वॉज 9 लाख, और उसमें से फिर हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया WDV मेथड से 90,000. सो वी हैव टू डिस्क्लोज 8,10,000 इन द बैलेंस शीट. एक साल बाद हमें 8,10,000 रुपए बैलेंस शीट के अंदर शो करना पड़ेगा. हम भले वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं फ्रॉम 9 लाख, 8,10,000, वॉट एवर, बट आई वो एक्चुअली कहां से, फ्रॉम इट्स एक्चुअल कॉस्ट. उस कॉस्ट के ऊपर भाई जितना यूज करेंगे वो लॉस तो हमें उसको डिडक्ट करना ही पड़ेगा. आज इसकी वैल्यू ये है, मीन्स हमें एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लेकर चलना है, फाइन. अच्छा, लेट्स सपोज 31st March 2020 को अगेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, और आपने देखा कि भाई मशीनरी की वैल्यू 8,10,000 थी, और उस पर डिप्रिसिएशन है 81,000, एंड बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन वैल्यू शुड बी ₹7,29,000. आपको पता लगा कि भाई इस मशीन की आज की डेट में, आपने उस वेंडर को फ़ोन लगाया और पूछा कि भाई इस मशीन की वैल्यू आज की डेट में क्या चल रही है, तो उसने बोला कि भाई द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन इज ₹15 लाख. वो जो मशीन आप 10 लाख में परचेज कर गए थे, वो बहुत सक्सेसफुल मशीन है, एंड टुडे द वैल्यू ऑफ दैट मशीन इज ₹15 लाख. तो आप इसको काट कर 15 लाख कर दें, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस. आप ऐसा नहीं कर सकते. ये सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट का वॉयलेशन नहीं होगा, बहुत सारे प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन होगा, जस्ट लाइक द मटीरियल वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, बिसाइड्स द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. आपने 7,29,000 की एसेट को 15 लाख के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया, क्यों, बिकॉज टुडेज मार्केट वैल्यू इज ₹15 लाख, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस. जितने में आपने एक्चुअली उसको, और ये भी वैसे भी ये अंडरस्टूड है, बेसिक्स जो अगर कोई बहुत बंदा अकाउंट्स न भी जानता हो, तो भी उसके बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल सकता है कि भाई दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, जितने में आपने उसको लिया है उसी पर रिकॉर्ड करो. डिप्रिसिएशन तो एक्चुअली यूज होने के अगेंस्ट होने वाला लॉस है, तो हम उसको डिडक्ट कर देते हैं. बट वॉट एवर देर इज अ मार्केट फ्लक्चुएशन, इन जो भी मार्केट फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, भले ही वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, डजंट मैटर्स कि वो इंक्रीज ही हो रहा हो हमेशा,
तो उस मार्केट फ्लक्चुएशंस को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक, फाइन। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसका ड्यूअल एस्पेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे उसके अंदर, प्लस उसके जो फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस हैं उसका आप कैसे उसका वाउचर या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हो उसके अंदर, देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगेंस्ट दैट। तो बेसिकली कहने का मीनिंग ये कि वट एवर असेट यू आर हैविंग और वट एवर असेट यू आर हैविंग इन योर बिजनेस, यू शुड रिकॉर्ड दोज असेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। डिप्रिसिएशन है, रिकॉर्ड करो, नो डाउट डिप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेबल, बट यू शुड इग्नोर द वैल्यू ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशंस और द मार्केट वैल्यू, ठीक, फाइन। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही है कि भाई आपको अपनी फिक्स्ड असेट को ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है, फाइन।